गाइस, तो इस वीडियो के लिए मेरे पास इतने सारे लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि भाई आप फैब्रिकेटर के बारे में भी कुछ बताओ कि अगर सऊदी अरब में एज अ फैब्रिकेटर हमको अभी के टाइम पे काम करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिल जाती है इस पर अभी के टाइम पे, कौन कौन से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हमको जरूरत पड़ेगी ये काम करने के लिए। मैं आपको बताऊँ, फैब्रिकेटर का बेसिकली कई सारे लोगों ने ट्रेनिंग कोर्सेज या फिर ITI डिप्लोमा कोर्सेज जो भी होती है वो की हुई है, और कुछ लोग फ्रेशर भी हैं जो हेल्पर के तौर पर ये काम सीखा हुआ है, तो सबके लिए वीडियो है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि उम्मीद करता हूँ आप लोग कहीं ना कहीं 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस ले लिया होगा। एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ है तो एक्सपीरियंस ले लो, क्योंकि क्या होता है प्रॉब्लम कि अगर आप एक्सपीरियंस पे जॉब आपको मिलता है तो सैलरी अच्छी मिलती है और जॉब मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर फ्रेशर हो आप तो जॉब मिल भी जाएगी तो सैलरी काफी कम लग जाती है, तो ये चीजें मैं पहले बता रहा हूं। तो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ले लो, और अगर आपने कोर्सेज कंप्लीट कर लिया, अगर आपने काम भी कहीं सीखा हुआ है तो ठीक है। अब हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट शेयर कर देता हूं जो आपको अभी के टाइम पर जरूरत पड़ेगी, फिर मैं इस पर सैलरी बता दूंगा। देखो, डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने बताया आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट कॉपी, जो भी आपकी प्रीवियस रिकॉर्ड है। इसमें बेसिकली काम क्या होता है, कटिंग का, बेंडिंग का, वेल्डिंग का, सारे काम होते हैं। जो मटेरियल, मेटल वर्क, मेटल्स इक्विपमेंट आपको कट करने होते हैं, वेल्ड करना होता है, काफ़ी सारे काम होते हैं। बस और कुछ डिटेल में चीज़ें नहीं बताऊंगा, फैब्रिकेटर का काम आप लोगों को पता ही होगा। और अब बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, आप लोग की क्वालिफिकेशन कॉपी हो गई, एक्सपीरियंस लेटर हो गया, जॉब लेटर कॉपी हो गई, वैलिड पासपोर्ट हो गया, आप लोग का फोटोग्राफ्स हो गए, कलर्ड, आप लोग का हेल्थ और ट्रेवल इंश्योरेंस हो गए, आप लोग का जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट, कोई चीज़ दो बार हो गया हो तो माफ़ करना। अब बस ये सारे डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है, और कुछ खास याद नहीं आ रहा है मेरे को। सैलरी की अगर बात करें तो फैब्रिकेटर की सैलरी डिपेंड करती है आप लोग के एक्सपीरियंस के ऊपर, तो एक्सपीरियंस जितनी अच्छी रहेगी सैलरी उतनी अच्छी मिलेगी, मैं पहले बताया हूं। तो एक्सपीरियंस की अगर सैलरी की बात करें तो लगभग 2800 तक इसकी एवरेज सैलरी है, बट अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 2200 से लेकर के 3500 तक मिल जाता है मैक्सिमम। तो है ना, जब लोग डाउट कमेंट करो फैब्रिकेटर में, इतनी छोटी सी वीडियो में आपने इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होगा आप लोग को। सब्सक्राइब कर दो, बाय।